यस, तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो साइकोलॉजी का टॉपिक डिस्कशन में रहा करेगा, और ये प्रायः जो है हम इस तरह का इसका ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए हैं जिससे ये सभी को काम में आए जो पार्ट टू वगैरह के हैं वो। बाकी जो लोग साइकोलॉजी को एज ए इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं उनके भी ये काम में आता हुआ रहेगा। इस बहाने आप जो है कई सारे टॉपिक से अवगत होइएगा साइकोलॉजी का, जिससे पढ़ने का उत्सुकता आपका जो है बढ़ेगा, और हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव में हल्का बहुत डिस्कशन कुछ कुछ ऐसा शामिल रखे रहेंगे जिससे आपको जो हल्का झलक मिलना स्टार्ट हो कि डिटेल में जब पढ़ने को रहेगा तो क्या आप उसके बारे में एक तरह से पढ़िएगा। ओके, तो ये जो हम लोग साइकोलॉजी का जो सीरीज एक्चुअली लेकर के चलते रहेंगे ये सभी को काम में आने वाला, जो लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके भी काम में आने वाला, कई सारे यूनिवर्सिटीज ऑब्जेक्टिव बेस्ड करने वाला है तो उससे उसको जो है डायरेक्ट काम में आने वाला, और ये वाला जो भी फिलहाल सीरीज है वो पार्ट टू का तो हम लिख दिया करते हैं कि पार्ट टू में वो काम आएगा। डिग्री लेवल का जो लोग रहेंगे वो लोग ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रहे हैं जिनका पेपर साइकोलॉजी या तो ऑनर्स हो या उनका जो है सब्सिडरी, तो उनके काम में आने वाले। बाकी जो लोग एज ए इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो एज ए इंटरेस्ट तो बोले कि वो तो हर चीज काम आने वाला है इसमें जो है, इससे आपको उत्सुकता बढ़ेगा, जो डिटेल में जब हम लोग जाएंगे ना तो उसके प्रति थोड़ा उत्सुकता बढ़ेगा आपको जो है। तो हम इसको जो है हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मीडियम में रखे हुए रहेंगे, मतलब एक तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ रहेगा ताकि जो है ये सबको जो है समझ में आता रहे, नॉर्मल आदमी भी जो है उस पूरी तरह से जो है साइकोलॉजी को जो है समझता रहे। ठीक है, थोड़ा भाषा वगैरह को जो है कॉम्प्लेक्सिटी में जो है लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक, इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और कई सारे मतलब जब सेक्शन लेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही वाले में हो जाएगा, कई सारे, लेकिन अभी फिलहाल में जो हम लोग कुछ एडलर वगैरह का जो है, कुछ सिगमंड फ्रायड वगैरह का, यूंग वगैरह का जो हम लोग कुछ टॉपिक जो है हल्का ऑब्जेक्टिव ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और ये जो लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में हैं उनको तो डायरेक्ट ये पार्ट टू वगैरह में काम आ जाएंगे सीधे जो है। ओके, तो हम लोग चलते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अचानक साइकोलॉजी वगैरह क्या, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, इसलिए सबको बोले ना एज ए सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा आप एज ए इंटरेस्ट भी जानिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान में संरचनावाद की स्थापना किसने किया था? उंट ने, टिचनर ने, वाटसन ने, विलियम जेम्स ने। तो ये जो संरचनावाद का जो सिद्धांत था ना वो टिचनर ने एक्चुअली किए थे। ओके, टिचनर ने किए थे। उंट लिखा हुआ है, कुंड नहीं लिखा हुआ है, फिजिक्स में एक्चुअली कुंड रहा करता है, ये उंट लिखा हुआ है। ओके, विलियम जेम्स ने चेतना के स्रोत के तहत चेतना के कई विशेषताओं पर प्रकाश डाला। विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट थे। चेतना का स्रोत, चेतना का मतलब कॉन्शसनेस एक्चुअली बोला जाता है, तो चेतना का स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस आप उसको बोल सकते हैं। तो सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस के तहत चेतना के कई सारे विशेषताओं पर प्रकाश डाला, मतलब जानकारियां दी हैं। निम्नांकित में से, नीचे जो दिया हुआ है निम्नांकित, ठीक है, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता? चेतना व्यक्तिक होती है, व्यक्तिगत बोल सकते हैं, या व्यक्तिक इंडिविजुअल टाइप का, कॉन्शसनेस जो होता है इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो ये होता ही है इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्शसनेस जो है हो सकते हैं एक्चुअली जो। ओके, कुछ पैटर्न, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें अलग, तभी ना स्वभाव अलग अलग मिला करता है आदमी का जो है, नेचर अलग अलग मिलता है, बिहेवियर अलग अलग मिलता है। चेतना हमेशा परिवर्तनशील होती है, ये भी बात सही, चेतना जो है कॉन्शसनेस जो है थोड़ा परिवर्तन, बचपन में जो आपका चेतना था, थोड़ा युवा में होते चेतना, थोड़ा जो है फिर और आगे जाते हैं तो उसका चेतना जो है, ठीक है, तो ये सब अलग अलग फेज में अलग अलग चेतना चेंजिंग होते रहते हैं, ये भी सही है। चेतना सतत होती है, ठीक है, यूनिवर्सल या कॉन्स्टेंट होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ कॉन्शसनेस जो है, कुछ हिस्सा जो कॉन्शसनेस का रहा करता है उसमें जो है सततता रहा करता है। चेतना में चयनात्मकता नहीं होती, ये चीज़ें जो है जो इसके अंतर्गत में जो है नहीं आया करता। विलियम जेम्स ने जो है चेतना का जो स्रोत था इसमें ये वाला पॉइंट जो है, चेतना में चयनात्मकता नहीं होती, इसके बारे में जो है वो एक तरह से जो है नहीं रखे थे इसको अपने सूची में। ठीक है, दूसरे लोग इसके बारे में जो है डिस्कशन की हो, तो हम लोग जो अभी फिलहाल में काम है उसमें हम लोग काम करें। चेतना में चयनात्मकता, सेलेक्शन, च्वाइस एक्चुअली जो है, ओके, ये बोला जा रहा है। व्यवहारवाद के अनुसार, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म आप बोल सकते हैं या बिहेवियरल साइकोलॉजी एक तरह से बोल सकते हैं, तो व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु था चेतन अनुभूति, कॉन्शसनेस एक्सपीरियंस, मानसिक कार्य जो मेंटल वर्क होते हैं या साइकोलॉजिकल वर्क होते हैं, ठीक है, या एक तरह से आप बोल सकते हैं थॉटफुल प्रोसेस जो रहा करते हैं, मनोदैहिक प्रक्रिया, मनोदैहिक मतलब साइकोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो मन और देह, मतलब मन और शरीर ये दोनों से जुड़ा हुआ प्रक्रियाएं होते हैं। व्यवहार, तो देखिए इसको तो ऐसे देखा जाए तो कॉमन सेंस लगाएगा तो कुछ लोग सोचेंगे व्यवहारवाद है तो कुछ व्यवहारी वाला ऑप्शन होंगे, सही है एक्चुअली, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन कुछ जगह कॉमन सेंस का काम नहीं दे देगा, तो व्यवहार से वो एक तरह से उसका विषय वस्तु रहा करता है। चेतन अनुभूति का मतलब बोल ही रहे ना, कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, जब आप चेतना में रहते हैं, जैसे जगे रहते हैं, एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, तो एक कुछ अनुभूति रहते हैं ना, एक्सपीरियंस रहते हैं, जैसे आप जग होकर जगे हो तभी ना आप इसको सुन रहे हैं ढंग से जो है, तो ये आपका एक तरह से कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ओके,
मानसिक कार्य, जैसे आप मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी का ही कुछ गंभीर चीज़ें पढ़ रहे हैं, या आप कुछ फिजिक्स वगैरह का डेरिवेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब आपका क्या है, मेंटल वर्क एक तरह से जो है, ठीक है, या थॉटफुल एक तरह से आप वर्क बोल सकते हैं, थिंकिंग वर्क आप बोल सकते हैं। मनोदैहिक प्रक्रिया जो मन और शरीर दोनों से रिलेटेड रहता है उसको मनोदैहिक प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ये व्यवहार से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल आप व्यवहार वगैरह करते हैं, अलग अलग एज में आपके व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। वाटसन के अनुसार जो है साइकोलॉजिस्ट थे, ओके, तो वाटसन के अनुसार व्यक्तिगत या वैयक्तिक जो विभिन्नता का मूल कारण होता है, ठीक है, जो वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअली रूप से देखते हैं, हर आदमी थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, आपके भाई या आपके और एक्स वाई जेड जो रहते हैं वो अलग अलग, उनका जो है एक तरह से व्यवहार रहता है, उनका अलग अलग थोड़ा सा जो है कॉन्शसनेस रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है यही बोला जा रहा है कि वाटसन के अनुसार जो व्यक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस रहा करता है, का मूल कारण क्या होता है, व्यक्तियों का स्मरण शक्ति में विभिन्नता, ऐसा नहीं है स्मरण शक्ति की विभिन्नता से जो है ऐसा सिचुएशन नहीं आते हैं, व्यक्तियों की अनुवांशिकता में विभिन्नता, हेरिडिटरी सिस्टम में कुछ विभिन्नता, ऐसा भी जरूरी नहीं रहा करता है, ओके, वाटसन के अनुसार बोल रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं हम लोग को जब बोलता है कि इसी के अनुसार बोलिए तो फिर आपको उसी के अनुसार जानकारी देना रहता है, ओके। तो वाटसन के अनुसार व्यक्ति के पर्यावरण कारक, ठीक है, तो जो मूल कारण रहता है वाटसन के हिसाब से व्यक्ति के पर्यावरणीय कारक जो रहा करते हैं, कारक आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो रहा करता है उसको एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इन्वायरमेंटल, एक तरह से इन्वायरमेंटल बोलने का मतलब वो नेचुरल रूप से इन्वायरमेंट नहीं, जो सामाजिक रूप से जो वातावरण उसको मिला हुआ रहता है उसके हिसाब से जो उसका एक तरह से जो है इंडिविजुअल रूप से उसका थॉट्स या इंडिविजुअल रूप से उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसे मतलब समाज में लोग रह रहा है जहाँ पे सपोज कर लीजिए बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप के लोग रहते हैं, इनकेस तो वो जो उस इन्वायरमेंट में रह रहा होगा ना, तो उस कैटेगरी में अधिकतर लोग जो है ना वो एक तरह से देखिए तो उसमें क्या आ जाएंगे, वो थोड़ा धार्मिक फीलिंग के एक्चुअली रहा करेंगे। मान लीजिए कोई वैसे इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं जहाँ पे लोग जो है मान लीजिए कि जो है काफ़ी ज़्यादा नशा वगैरह या काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके तौर तरीके से रहते हैं, तो उनमें जो इंडिविजुअल्स रहेंगे उसमें उस तरह का बिहेवियर जो है चलाएगा। तो देख रहे हैं ये दोनों में अब अलग अलग बिहेवियर, वो उस वातावरण में रहा तो उसका बिहेवियर वैसा हो गया, ये इस वातावरण में रहा तो ऐसा बिहेवियर, ओके। तो जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं इन्वायरमेंट बोलने का, तो परिवेश आप ज़्यादा अच्छा बोलिए, ओके, तो जैसा परिवेश में रहता है उसके हिसाब से उसमें डिफरेंसेज जो है आ सकते हैं एक्चुअली, ओके। जैसे गांव में कोई लोग रहते हैं तो उनका विचार, शहर में जो लोग रहते हैं उनका विचार, मान लीजिए और भी अलग अलग देश में लोग रहते हैं उनका विचार अलग अलग आता है ना, तो परिवेश की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, वो इन्वायरमेंट नेचुरल वाला नहीं, ये जो सामाजिक रूप से जो आपका इन्वायरमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। पारिवारिक भी इन्वायरमेंट हो सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सील गुणों में विभिन्नता के कारण ऐसा नहीं होता, ठीक है। वाटसन के हिसाब से जो है व्यक्ति के पर्यावरणीय कारक के वजह से जो उसमें व्यक्तिगत या व्यक्तिक विभिन्नता जो है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है चले आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब समझ ही नहीं, अलग अलग लोग का अलग अलग सोच समझ विचार एक्चुअली रहा करता है, व्यवहार वगैरह। ऐसा स्वप्न जिसका अर्थ, देखिए साइकोलॉजी में एक्चुअली क्या है ना, ड्रीम्स का भी इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि आप सोच सपना देखते हैं ना, तो अलग अलग सपना किस किस तरह का जो है आपके विचारों को बताता है, ठीक है, किस तरह का फेज से आप गुजर रहे हैं ये जानकारी देता है। जैसे कुछ लोग सपना मान लीजिए सांप का देखते हैं, कुछ लोग सपना देखते हैं कि उड़ रहे हैं एक्चुअली जो है, उड़ने वाला सपना जो है, कई लोग देखते होंगे, एक्सपीरियंस होगा आपके पास जो है, कुछ लोग उस तरह का भी सपना देखते होंगे, मालूम ही हो किस तरह का जो है सपना, तो उस तरह का सपना कुछ लोग काफ़ी जो है एक तरह से डरावना टाइप का सपना देखते होंगे अचानक रात में उठ करके वो चिल्लाने लगता होगा, ये परेशान हो जाता होगा, या एक उसका हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता होगा एक तरह से। तो जो ड्रीम्स होते हैं ना, ठीक है, ड्रीम्स का भी अपना एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन एक्चुअली रहा करता है, और कई तरह के जो ड्रीम्स हैं उसके आधार पर आपके मेंटल एक तरह से जो है हेल्थ को या एक तरह से आपके साइकोलॉजी को एक तरह से जानकारी दिया जा सकता है, आपके बारे में उसका परिचय दिया जा सकता है। अलग अलग लोग जो है देखते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जो है एक तरह से जो है स्वप्न देखा करते हैं। रामानुजन के बारे में ऐसा बोला जाता था कि मैथमेटिकली रूप से किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, तो हालांकि वो धार्मिक बहुत ज्यादा थे, तो ऐसा बोला करते थे कि हमारे पास मतलब जो एक पर्टिकुलर देवी आया करती है सपने में, वही हमको सॉल्यूशन दे देती, वो धार्मिक उनका विचार था। लेकिन बात यह है कि उस सपने में एक्चुअली जो है वो उस चीज के बारे में वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे, ठीक है, ये समाधान एक तरह से ढूंढना हुआ, कुछ समस्याओं का समाधान, कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सपने में भी इसको ढूंढ सकते हैं एक्चुअली, जबकि रामानुजन के साथ इस तरह से हुआ करता था। कई सारे आप जो है पढ़िएगा नॉर्मली जो कई सारे साइंटिस्ट थे जो बहुत सारे सॉल्यूशन कुछ स्वप्नों में जो है एक्चुअली उनको जो सुलझ गया एक तरह से जो है, तो एक एग्जाम्पल बता रहे कई तरह का जो स्वप्न हुआ करते हैं, उधर कोई रोबिया मैडम वगैरह नहीं, ठीक है।
तो कई सारे स्वप्न, जैसे आपका भी हवा में उड़ने वाला सिचुएशन, कई लोग इसको देखते होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है सांप का जो है स्वप्न देखते होंगे कई लोग, उसको जो है धार्मिक रूप से उसको बोलते हैं कि शुभ एक्चुअली, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन रहता है। फिर बोले कई लोग जो है उस तरह का जो है मीठा मीठा टाइप का स्वप्न देखा करता है। तो सबका अपना अपना जो है महत्व रहा करता है साइकोलॉजिकली रूप से जो, ठीक है। कार्ल जंग जो है ना और जो सिगमंड फ्रायड है, इन दोनों का विचार जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सिगमंड फ्रायड तो थोड़ा सा आपको जो है वो दूसरे टाइप का इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन उनका भी इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा सटीक रहता है। और जंग का भी जो है, या जंग जो है हिंदी में उनको जंग एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे जंग भी बोल सकते हैं, ओके। कार्ल जंग जो तीसरा स्वप्न जिसका अर्थ जो है व्यक्तिगत या अपवैयक्तिक बोल सकते हैं, स्वप्नकर्ता भी स्वयं नहीं लगा सकता, जो स्वप्न देख रहा, स्वप्न देखने वाला जो था ना वो खुद भी जो है उसको एक तरह से जो है उसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्वप्नकर्ता भी जो है वो अपने स्वयं उसको जो अर्थ को नहीं लगा सकता, ठीक है। तो परंतु जिसका महत्व तो पूरे मानव जाति के लिए होता है, लेकिन उसका जो स्वप्न एक्चुअली है वो पूरे मानव जाति पे हो सकता है, ओके। तो वैसे स्वप्न को जो है क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द कार्ल जंग, ओके। तो वैसा जो रहता है ना बिग ड्रीम्स उसको बोलते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। ऐसे जो है काफी ज्यादा क्रिएटिव जो लोग रहा करते हैं ना उसके साथ ऐसा हुआ करता है, वो बड़े सपने एक्चुअली देखा करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ड्रीम बिग जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का सिचुएशन। तो एक तरह समझिए कि वो एक आप ऐसे समझिए तो नॉर्मली जो है ना वो एक तरह से अपने आप को जो है सिगमंड फ्रायड के हिसाब से देखा जाए तो वो सुपर ईगो वाले फेज में एक्चुअली जो है गए हुए रहते हैं एक तरह से। ये अलग बात है कि स्वप्न जो है वो आपका सुपर ईगो, लेकिन एक बोलने का सेंस एक्चुअली कि काफी वो ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे जो है जाकर के वो सोचने लगते हैं, ओके। हालांकि हम लोग उससे कंट्राडिक्शन नहीं करेंगे, हम एक जानकारी के लिए उसको रखें जो। तीसरा स्वप्न जिसका अर्थ व्यक्ति या जो देखने वाला एक्चुअली स्वप्न करता है वो भी स्वयं नहीं लगा सकता, परंतु जिसका महत्व जो है पूरे मानव जाति के लिए होता है, को युंग ने क्या कहा था उसको जो है बड़ा स्वप्न कहा था, बिग ड्रीम एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं। कई तरह के स्वप्न होते हैं, दंड स्वप्न होते हैं जिसमें आप मान लीजिए कोई लोग किसी से परेशान है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सपनों में जो उसको दंड देते हैं, उसके साथ आप लड़ाई करते हैं, उसके साथ आप जो है एक तरह से बदला लेते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, उसको दंड स्वप्न एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आप पनिशमेंट एक तरह से जो है देते हैं शत्रु को, जो है आपके दिमाग में घूमता रहता है ना, तो ऐसा स्वप्न में जो उभर के आ सकता है आपके साथ जो है। बड़ा स्वप्न यहाँ वाली जो सिचुएशन है बड़ा स्वप्न है, बिग ड्रीम। भविष्योन्मुख स्वप्न जो है कुछ लोग अपने आगे के बारे में जो सोचते रहते हैं, तो स्वप्न में भी इस तरह का सिचुएशन आपके पास आ सकता है। समाधान स्वप्न जो मैं अभी बोल रहे थे ना रामानुजन वगैरह के बारे में, उस तरह कभी कभी होता है, कई लोग जो है ना कुछ सोच रहे हैं वो जागृत अवस्था में उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, मालूम चला कि वो स्वप्न में जो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया एक्चुअली जो, ठीक है। तो वैसे भी सिचुएशन हुआ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो ऑप्शन है ना वो बड़ा स्वप्न वाला रहेगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से ना, लेकिन आपको जानकारी नहीं कि जो स्वप्न रहते हैं वो आपके मानसिकता का परिचायक हुआ करता है, आपके सोच का भी परिचायक हुआ करता है, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं जो सुबह उठने के बाद जो है स्वप्न क्या क्या देखे हैं नॉर्मली रिकॉल करते हैं, कई सारे लोग का ऐसा आदत रहता होगा, ठीक है, कि रिकॉल करना स्वप्न को जो देखे हुए रहते हैं, ओके। हाँ, तो हम लोग आते हैं इसे जो है नेक्स्ट वाले में जो है। प्राय देखा गया है कि विकलांग व्यक्ति, देखिए आप जो विकलांग पुरुष वगैरह या स्त्रियां वगैरह हुआ करते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ समस्याएं एक्चुअली शारीरिक रूप से, मान लीजिए किन्हीं का मतलब कान नहीं, मतलब या सुनने में उनको प्रॉब्लम है, किन्हीं का पैर मान लीजिए दुर्भाग्य से जो है नेचुरली रूप से जो भी होगा, विकलांग टाइप के जो लोग रहते हैं, तो देखा जाता है उनमें कुछ टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा रहता है। जो विकलांग पुरुष रहते हैं या स्त्रियां रहती हैं उसमें कुछ टैलेंट जो है किसी क्षेत्र में जो आपको बहुत ज़्यादा पाया जा सकता है। इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी रहा करता है, तो इसके पीछे का यही साइकोलॉजी रहा करता है ना कि वो जो विकलांगता है जिसके वजह से वो सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से या अपने अंदर से थोड़ा हीन महसूस करते हैं, थोड़ा इन्फेरियर महसूस करते हैं। तो आदमी कभी भी हीन नहीं महसूस होने के लिए चाहता, वो कभी नहीं चाहता अपने आप को इन्फेरियर साबित होने के लिए, वो हमेशा चाहता है थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सुप्रीम साबित करने के लिए, ऐसा उसका जो साइकोलॉजिकली रूप से हर एक आदमी के पास रहता है। तो वही जो विकलांग लोग होते हैं उनमें जो ये इन्फेरियरिटी आता है उसको वो उभारने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए जो है कुछ कला का जो है बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है और उसको डेवलप कर लेते हैं, इसलिए कुछ टैलेंट उनके पास जो है ज़्यादा रहा करता है। तो उस हीन भाव को एक तरह से उभरने के लिए जो है कई सारे टैलेंट को जो है डेवलप कर सकते हैं, ओके। ये उसी पर आधारित जो है क्वेश्चन एक्चुअली। प्रायः देखा गया है कि विकलांग व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अधिक प्रवीण होते हैं, प्रवीण मतलब स्किल्ड होते हैं, कुशल होते हैं एक तरह से, ओके, प्रवीण होते हैं। एडलर के अनुसार, एडलर जो है साइकोलॉजिस्ट थे, ओके, एडलर के अनुसार इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसको साइकोलॉजिकली रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से, आंगिक हीनता के रूप में, कोई अंग है उसका हीनता के रूप में,
ठीक है, इसके रूप में ऑप्शन बोला जा रहा है, उत्कृष्टता की कोशिश के रूप में, जीवन शैली के रूप में, सामाजिक अभिरुचि के रूप में। देखिए ये डी तो नहीं होने वाला, सामाजिक अभिरुचि के रूप में ऐसा नहीं होता, जीवन शैली के रूप में ऐसा भी नहीं रहा। सामाजिक अभिरुचि देखिए कई सारे लोग रहते हैं सामाजिक रूप से, कई सारे काम करते रहते हैं, तो वो उनका सामाजिक अभिरुचि है, साइकोलॉजिकल जो सोशल साइकोलॉजी वो काम करता रहता है। सामाजिक रूप से जो देखते हैं कई लोग जो है वो कुछ करते रहते हैं, ठीक है, तो वो उनका सोशल साइकोलॉजी, वो समाज से जो है कुछ अच्छा पाने का उनका जो है साइकोलॉजी रहा करता है। उसके पीछे का साइकोलॉजी समाज में अच्छा महसूस होने देना चाह रहे हैं, समाज को भी अच्छा महसूस करवाना चाह रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से खुद भी अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो वैसा साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात तो नहीं रहता है, जीवन शैली के रूप में ये भी बातें नहीं है, उत्कृष्टता की कोशिश के रूप में ऐसा भी नहीं रहता। उत्कृष्टता की कोशिश जैसे कोई प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा रहा करते हैं ना नॉर्मली, या कोई चीज़ों के बारे में मान लीजिए बहुत ज़्यादा झुकाव है तो उसके बारे में उत्कृष्ट होने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सिचुएशन जो है विकलांग लोगों के साथ नहीं रहता है। तो आंगिक हीनता के रूप में एक तरह से जो आंगिक हीनता उनके पास जो है ना, अंग का जो हीनता है, जो अंग के कुछ डैमेज होने की वजह से उनको जो इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा था, जो एक तरह से हीन भावना आ रहा था, उससे उभरने के लिए जो है वो कुछ स्किल को अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ओके, इसलिए वो कुछ स्किल्ड उनके पास रहा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो रहेंगे ये रहेंगे, बाकी हम जो जानकारी दे रहे थे वो किसने जानकारी दे रहे थे समझ ही रहे होंगे आप। युंग ने अचेतन के सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहा, अचेतन, अनकॉन्सियसनेस, जुंग आप बोल सकते हैं, नहीं तो हिंदी में उसको युंग भी बोला करते हैं, कार्ल जंग जो है उनको जो कार्ल जंग बोलिए या युंग हम बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में नॉर्मली उनको युंग बोला करते हैं, ठीक है। तो युंग ने अचेतन के सबसे ऊपरी सीमा का जो अनकॉन्सियसनेस है उसके सबसे आउटर जो कवरेज है एक्चुअली, ठीक है, उसको क्या कहते थे, तो व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक अचेतन, सामूहिक मतलब कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस, व्यक्तिगत अचेतन, इंडिविजुअल अनकॉन्सियसनेस, साइकोइड अचेतन, साइकोइड खुद ही इंग्लिश वर्ड है, साइकोइड अचेतन, अनकॉन्सियसनेस, अचेतन अनुमान, ठीक है। अनकॉन्सियसनेस एक तरह से अनकॉन्सियस रूप से जो हम लोग कोई जो गेसिंग करते हैं, ठीक है, या जो प्रेजुडिस रखते हैं उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, या पॉसिलेट जो है। तो युंग ने अचेतन के सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहा था, जो सबसे ऊपरी सीमा रहता है ना व्यक्तिगत अचेतन रहता है, वो आपके पर्सनल एक तरह से रहते हैं, इंडिविजुअल टाइप का जो है अनकॉन्सियसनेस रहा करता है, ओके। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्राइड के बारे में। देखिए फ्राइड जो है ऐसा नहीं भावना पाल लेना है कि फ्राइड जो है नॉर्मली ज़्यादा जो है वो सेक्सुअल मैटर पे ही ज़्यादा बात करा करते थे, ऐसा आपके अंदर भावना नहीं रहना चाहता, ठीक है। फ्राइड जीनियस कैटेगरी के लोग थे एक्चुअली, जो है सिगमंड फ्राइड जो है ना बहुत जीनियस थे, ठीक है, वो साइकोलॉजी के एक तरह से समझिए उसी तरह का है ना नॉर्मली जैसे न्यूटन और आइंस्टीन को आप समझते हैं, ओके, इसलिए जो है आप सिगमंड फ्राइड का जो विचार है हम आपको धीरे धीरे उसके बारे में परिचित करेंगे, लेकिन आप शुरुआती दौर में जो उनके विचार से परिचित होते हैं थोड़ा ज़्यादा उनका इंटरप्रिटेशन जो है सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन रहा करता है, तो आपका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा सकता है एक्चुअली जो कि ये कैसे टाइप के आदमी थे, लेकिन वो बहुत ऊँचे दर्जे के आदमी थे, बहुत ऊँचे दर्जे के आदमी थे, ओके। फ्राइड ने लिबिडो को काम वासना से जोड़ा, परंतु युंग ने इसे, जो कार्ल जंग है, ठीक है, फ्राइड जो है एक्चुअली लिबिडो जो है ठीक उसको काम वासना से एक्चुअली इसमें जोड़े रखते हैं, बोले ना जो फ्राइड था ना एक्चुअली जो है वो ह्यूमन को बहुत अच्छी तरह समझते थे, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझा करते थे एक्चुअली, वो समझित एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत खतरनाक किस्म के आदमी थे, खतरनाक किस्म इस सेंस में जो है वो मन को रीड कर सकते थे बहुत अच्छी तरह से जो है, ओके, आप कितना शरीफ है ना एक्चुअली जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे, भले आपको पता नहीं चलता कि नॉर्मली वो आपको रीड कर चुके हैं, वो आपके सामने बहुत नॉर्मल व्यवहार करते रहते लेकिन वो अंदर तक पहुंच चुके रहते थे एक्चुअली जो, ओके। तो फ्राइड और कार्ल जंग ये दो जीनियस एक्चुअली थे, ठीक है। तो फ्राइड जो है थोड़ा सा बोले थे हम आपको पहले भी जब हम आपको डिस्कशन स्टार्ट किए थे तो थोड़ा अटैकिंग और अग्रेसिव टाइप का आपको लगेगा, और जंग जो है थोड़ा सॉफ्ट है एक्चुअली, फिलोसफिकल नेचर के एक्चुअली थोड़ा। फ्राइड जो है लिबिडो को जो है काम वासना से जोड़ करके रखे, परंतु युंग ने उसे किससे जोड़ा, टोटल वाइटल एनर्जी से एक्चुअली जोड़ा, टोटल वाइटल एनर्जी से एक्चुअली, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये जो फीलिंग एक्चुअली रहा करता है इसकी वजह से आपको वर्क करने में भी लगाता है एक्चुअली, आप जो है ज़्यादा चंचल रहते हैं एक तरह से, अलग अलग रूप से आप कार्य करा करते हैं, चाहे फिजिकल काम हो चाहे वो थॉट प्रोसेस का काम हो, ठीक है, वो उसमें भी आपको मदद दिया करता है, ये अलग बात है। सिगमंड फ्राइड जो है ज़्यादा बोलते थे नॉर्मली सेक्सुअल ड्राइव की ओर जो है रहा करता है, ठीक है। तो फ्राइड जो है लिबिडो को जो है वो उससे जोड़े थे, तो जंग जो है किससे जोड़े थे, टोटल वाइटल एनर्जी से जोड़े थे, ठीक है। तो यहीं पे बात इसे खत्म हो गया, अब आगे का जो ऑप्शन है वो सेक्सुअल एक्सट्रीमिटी माना ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल सिंबल माना ऐसा भी नहीं है, नन ये भी नहीं है, ओके। हम लोग कभी उसके बारे में सब बात करेंगे, ये लिबिडो वगैरह क्या हुआ करता है, जब हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव रूप से आया करेंगे तब, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आप भींगेगा उसके बाद। सिगमंड फ्राइड के अनुसार
किसी सुंदर स्त्री के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का सडन अर्ग किसके तहत आता है? ओके, जैसे मान लीजिए कोई काफ़ी खूबसूरत एक्चुअली जो है थोड़ा सा मतलब समझिए कि हॉट टाइप की जो है किसी को आप देखते हैं नॉर्मली, तुरंत जो है सेक्सुअल एक तरह से फीलिंग उभर जाता है। मेल में ऐसा होता है, फीमेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फीमेल जो है ना उसका अलग साइकोलॉजी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा हट करके फीमेल साइकोलॉजी हल्का रहता है। बहुत सारी चीज़ कॉमन रहता है और बहुत सारी चीज़ थोड़ा हट करके रहता है। वो तुरंत एक्चुअली वो शरीर के प्रति बहुत कम जो है नॉर्मली वो ध्यान देते, ज़्यादा मन और जो उसको बोलते हैं ना बिहेवियर, उस पर उसका ध्यान ज़्यादा जाया करता है। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो एक्चुअली उससे ज़्यादा वो रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मेल रहा करता है ना नॉर्मली ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर पहले उसका जो है आकर्षण जाता है एक्चुअली से। ठीक है, जो कि स्त्रियों को देखने के बाद वो निहारना स्टार्ट या ताड़ना स्टार्ट कर देता है एक तरह से जो। ठीक है, आप इसको उस भाषा में बोल सकते हैं। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है किसी सुंदर स्त्री के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का सडन अर्ग किसके तहत आता है? तो सिगमंड फ्राइड एक्चुअली है ना जो मन को जो एक तरह से तीन भाग में जो है रख करके वो इंटरप्रेट करा करते थे। एक सबसे जो आप भाग बोल सकते हैं नॉर्मली जो आपके पास जो सडनली रूप से आया करता है आईडी रहा करता है, ईड उसको बोलते हैं, उसको नॉर्मल रूप से आप उसको जो है ईड बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो भाग रहता है वो ईगो वाला भाग रहता है, और जो तीसरा जो भाग रहता है सुपर ईगो रहा करता है। ओके, तो देखिए ईगो का यहाँ पे मतलब जो है ना वो आप इंग्लिश वाला या जो हिंदी वगैरह में जो आप अहम वगैरह सोचते हैं ना वैसा टाइप का मत सोच लीजिएगा, वरना आप कन्फ्यूजन में चले जाइएगा। ओके, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, उसको उसी सेंस में समझना होगा आपको, जो कभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो जो सडन अर्ग जो अचानक आपके पास चला आता है ना, ये अलग बात है कि आप ऐसा होने नहीं देते हैं, मालूम है ऐसा करने के बाद आपको लपड़ झपड़ जो है तरह तरह का कानूनी विवाद में आप पड़ सकते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, तो वो किसके वजह से आता हो? ईड के वजह से होता है। ठीक है, ये अचानक आपके अनकॉन्शियसनेस में झटका देगा एक्चुअली जो। ठीक है, ईड के वजह से होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पे जो सडन जो आपके पास जो ये इच्छा आता है ना, ये सडनली रूप से ये मेल में एक्चुअली ज़्यादा है करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फीमेल का साइकोलॉजी इसके प्रति थोड़ा दूसरा रहा करता है। वो बोले ना कि तुरंत वो बाहरी आवरण पे ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, वो ज़्यादा व्यवहारिक चीज़ों को देखें, उसके अंदर वो नेचुरल गुण रहा करता है। वो तुरंत जो है ना मन को पढ़ने का कोशिश करती है, वो भावनात्मक ज़्यादा हुआ करती है फीमेल जो एक्चुअली रहती है। ठीक है, हम लोग उसके साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, फ्राइड के अनुसार, अब वही जो है बात है, फ्राइड के अनुसार मतलब जो है सुंदर स्त्री जो है के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले उसे व्यवहारिक रूप से राजी करने का विचार किसके तहत आता है? जब आप ऐसा चाहते हैं तो सोचते हैं कि उससे फ्रेंडशिप कर लें, आप ऐसा सोच सकते हैं, या आप और ज़्यादा अच्छा सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसको जीवन साथी बना लें एक्चुअली जो। ठीक है, तो इस तरह का जो सोच आपके पास जो आना स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं थोड़ा अपर लेवल का एक्चुअली होना स्टार्ट होता है, ज़्यादा सोशलाइज एक तरह से जो है, ज़्यादा सिस्टमेटिक एक तरह से जो है, ये किसके वजह से आता है? तो ये ईगो वाले फेज से आता है। ईगो जो रहा करता, ईगो मतलब बोले ना बार बार आपका दिमाग अब काम करेगा, ईगो का मतलब जो है वो घमंड और एरोगेंस वाला बात एकदम हटाइए यहाँ से। साइकोलॉजी पढ़ते समय ये जो ईगो का सेंस है ये अपना सेंस है। ईगो ज़्यादा लॉजिकल टाइप का थोड़ा रहा करता है, वो सोचता समझता है एक्चुअली जो है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से ये कानूनी रूप से गलत हो सकते हैं, व्यवहारिक रूप से ये गलत है, सामाजिक रूप से ये गलत है, तो वो थोड़ा सोचता समझता है। ठीक है, तो एक सही से रिलेशन जो है एक तरह से डेवलप करने का कोशिश करता है। और इसी में आप समझ सकते हैं कि जो समाज में जो शादियाँ वगैरह का जो सोच है, एक साइकोलॉजिकली रूप से बोल सकते हैं काफ़ी प्रखर या निखर रूप जो है सोच रहे थे। जानवरों में इस तरह का सोच नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, आप जानवरों में कभी नहीं देखिएगा कि उसमें शादीशुदा वगैरह है, ऐसा टाइप कोई सिचुएशन है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, शादी का जो प्रक्रिया एक्चुअली बना हुआ रहता है सभी फेज में रहता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंपराएँ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें है। तो वो जो सिचुएशन आते हैं ना ईगो वाले फेज से, माइंड का वो सेटअप जो रहता है वो ईगो रहता है, जिसमें हम लोग जो है लॉजिकल होकर के सोशल दृष्टि से थोड़ा और भी दृष्टि से कई सारी चीज़ों से हम लोग सोचते हैं। ओके, तो वो जो रहा करता है, तो वो जो फेज रहता है वो ईगो का फेज रहता है। ओके, तो ये ईगो का फेज रहा जिसमें आप थोड़ा सोचते हैं कि नहीं उसको जो है सही तौर तरीके से जो है एक तरह से लाया जाए इस चीज़ के बारे में जो है। ओके, अब जो है सुपर ईगो के बारे में क्या होता है? सुपर ईगो जो होता है समझिए एक तरह से बहुत ज़्यादा वो एक तरह से आप उसको कई सारा मिक्सिंग बोल सकते हैं। एक तो समझ लीजिए कि ईडो ईड जो फेज है ईगो वाला फेज है, और सुपर ईगो जो है समझिए कि काफ़ी ऊपर वाला फेज होता है। वहाँ पे जो है ना आदमी का फीलिंग जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है। नॉर्मली जो उस फेज में जाने के बाद जो है, ठीक है, वो आप कोई ज़रूरी नहीं कि स्त्रियों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरह से जो है वह सेक्सुअल एक तरह से जो है अट्रैक्शन के रूप में देखे, ऐसा जरूरी नहीं रहता। ठीक है, वो उसको एक तरह से भावनात्मक रूप से देखना स्टार्ट करता है।
वो एक तरह से प्रकृति का जो है समझिए कि एक तरह से आप काफी इमोशनल डिजाइन एक तरह से जो है रूप में जो सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक जो वुमेन के रूप प्रति या जो है मैन के प्रति जो है एक सोच होना चाहिए काफी ऊंचाई का जो है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि रिलीजियस भावना हो सकता है, काफी फिलोसॉफिकल भावना हो सकता है, काफी हाईली सोशलिस्टिक भावनाएं हो सकते हैं, एक्चुअली जो है काफी ज्यादा फैमिली वाला भावनाएं हो सकते हैं, काफी ज्यादा एक तरह से जो है, ठीक है, काफी डीपर टाइप का फैमिली का भावना हो सकता है, या उससे भी ऊपर समझिए तो फिलोसॉफिकल काफी भावना हो सकता है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम थॉटफुल भावना हो सकता है, वो सुपर ईगो का फेज रहता है जिसमें बहुत कम ही लोग जा पाते हैं क्योंकि वहां पर पहुंचना आसान नहीं रहता है, लेकिन माइंड के अंदर ये सभी फेज रहा करते हैं, ओके। तो वो सुपर ईगो का फेज है जिसमें लोग जो है औरतों के प्रति नजरिया जो है काफी शुद्ध हो चुका रहता है, काफी ज्यादा भावनात्मक हो चुका रहता है, वो शरीर के रूप में उसको फिर देखना बंद कर देते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। ये फेज उनका काफी ज्यादा जो है इमोशनल रहता है, काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल रहता है, काफी ज्यादा रिलीजियस रहता है, लेकिन वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आप जो, ठीक है। सबसे पहला तो आपको उसी ईड से टक्कर लेना होगा, कई लोग उसमें जो है कंट्रोल खो देते हैं तो कई सारे गलत काम कर देते हैं, जो कि आए दिन आप रेप वगैरह का जो है केस वगैरह को जो आप देखते हैं, ठीक है। तो रेप वगैरह जो है ज्यादा मेल करा करते हैं, ठीक है, फीमेल को कभी आप नहीं देखे हो कि उसका रेप कर दिया एक्चुअली जो, ठीक है, या कर दिया एक्चुअली जो, ऐसा आप नहीं देख सकते। तो ये जो ईड जो एक्चुअली है ना वो थोड़ा नहीं कंट्रोल में रहने के बाद जो है वैसा हो सकता है, और नॉर्मली ईड जो है कंट्रोल में नहीं रहता, आपके अंदर जो ईगो वाला फेज जो है ना ज्यादा डेवलप रहना चाहिए, तब आपने आपको रोक पाएगा, ठीक है, कि नहीं ऐसा करने सामाजिक रूप से प्रॉब्लम हो सकता है, उससे लपड़ झपड़ खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, बहुत तरह के पेचीदगी में फंस सकते हैं एक्चुअली। ये आपका ईगो वाला माइंड सेटअप है, ईगो मतलब वो वाला माइंड सेटअप नहीं जो इंग्लिश में आप पढ़ते रहते हैं, जो साइकोलॉजिकली दृष्टि से वो, अब बाकी जो है जब कोई काफी निखर चुका रहता है और वो जो उसका दृष्टि रहा करता है औरतों के प्रति, वो सुपर ईगो का फेज होता है जिसमें हर लोग नहीं जा पाते एक्चुअली, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस थे हम लोग को, यही सारे चीजें डिस्कशन 10 क्वेश्चंस थे, तो कई सारे डिस्कशन जो है हम रखे रहेंगे और अलग अलग टॉपिक रहेगा ताकि आपको हर तरह का जो है इंटरेस्ट जो है आता हुआ रहे, ओके। तो यहीं पर रहने दे रहे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।